हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि गूगल शीट में आप कैसे जो स्टॉक के ऊपर आप काम करते हैं और मार्केट बहुत हाई लेवल पर है, लेकिन आप जब स्टॉक के ऊपर काम करते हैं तो आपको एक स्कैनर चाहिए जिस स्कैनर में आपको बाइंग सिग्नल आना चाहिए और सेलिंग सिग्नल भी आना चाहिए, इंट्राडे बेसिस में आना चाहिए और पोजिशनल बेसिस भी ऊपर भी आना चाहिए। तो आपको आसान हो सकता है कि आप कैसे अपने आप का जो स्ट्रेटेजी बनाए और उसके साथ उसको चार्ट पैटर्न के साथ आप देख सकते हैं और टाइम फ्रेम के साथ उसको ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको डिटेल्स एक डेमो दे देना चाहिए। जो भी कुछ मुझे इंक्वायरी आया था इस सीट के ऊपर, तो इसलिए मैंने कि इस सीट के बारे में थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ और इसके जरिए से आपका जो माइंड है वो क्लियर हो जाएगा, माइंड सेटअप क्लियर हो जाएगा, तो आप अच्छी तरह से इसको एनालिसिस कर पाएंगे। तो आइए हम स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि आप कैसे इस गूगल शीट को अच्छी तरह से एनालिसिस कर पाएंगे। ये है पोजिशनल ट्रेडर के लिए, इस सीट को हमने बनाया है, तो आप देख सकते हैं पोजिशनल बेसिस में ट्रेडर के लिए। तो आप इसमें क्या करेंगे, किसी भी स्टॉक का नाम इसमें पुट कर देना है। तो मैंने अमर रेपॉजिटरी, अपोलो हॉस्पिटल, क्योंकि मैं 50 स्टॉक जो है मैंने उसको यहाँ पर एंट्री किया है, तो इसलिए इस स्टॉक के बारे में मैं जानता हूँ और वो डिटेल्स इसका ओआई और फ्यूचर में ट्रैकिंग करता हूँ, इसलिए ये है। तो ठीक है, तो आप यहाँ पर भी किसी भी स्टॉक का आप डिटेल्स इसमें डाल सकते हैं। डालने के बाद आप मान लो मैंने SBIN इसमें डाल दिया। डालने के बाद आपको क्या करना चाहिए ना, आपको इसमें थो नीचे में ड्रैग कर देना चाहिए। ड्रैग करने से आपको क्या होगा ना, आपको डिटेल्स टाइम का फ्रेम आ जाएगा। देखिए टाइम फ्रेम आ गया। टाइम फ्रेम आने के बाद आप इसको नीचे में आप खींचेंगे, आप ड्रैग करेंगे तो डिटेल्स प्राइस वगैरह भी आ जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको डिटेल्स ऐसे आपको सिलेक्शन करना है और नीचे में आपको ड्रैग कर देना है। तो इसमें क्या होगा ना, डिटेल्स इंफॉर्मेशन आपका डिटेल्स आ जाएगा और आपको हर स्टॉक के बारे में और जितने स्टॉक आप ऐड करेंगे इसमें ऐड करेंगे, ये ऑटोमेटिकल इसके वैल्यू यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इसमें मैंने क्या किया है ना, इसमें टाइम फ्रेम लगाया है, जिस टाइम में इस LTP चेंज होगा ये ऑटोमेटिकल टाइम उस टाइम का टाइम आपको शो होगा। और उसके साथ क्या होगा ना, ओपन हाई लो क्लोज आपको मिल गया, वॉल्यूम मिल गया है, चेंज कितना प्राइस चेंज हो रहा है ये भी मिल गया है इसमें। ये जनरल फॉर्मूला है, गूगल फाइनेंस से आपको मिलेगा चेंज, और इसमें परसेंटेज ऑफ चेंज आपको मिल गया है। इसमें क्या है, वॉल्यूम का आपके 10 डे वॉल्यूम मूविंग एवरेज इसमें इस फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। उसके साथ आपको मैंने क्या किया कि 1 लाख के हिसाब से इसमें डिवाइड कर दिया है। तो उसमें क्या हुआ कि आपका डिटेल्स इसमें जो है वॉल्यूम है 8 लाख और इसमें जो वॉल्यूम है 8.8 लाख 85,000 ऐसे आ जाएगा। 15 डे वॉल्यूम मूविंग एवरेज, 20 डे वॉल्यूम मूविंग एवरेज, ये जो वोलेटिलिटी है, ये वाला वोलेटिलिटी आपका डिटेल्स आ जाएगा। 7 डेज वोलेटिलिटी, एवरेज, टॉप, बॉटम, मैक्सिमम, मिनिमम और इसका जनरल डे बेसिस में बाय एंड सेल एंड 50 डे मूविंग एवरेज, इस फॉर्मूला को आप यूज कर आप यहाँ पर लगा दिया गया है। तो आपको क्या करना है, मेरा सिंपल फंडा है कि आप जिसमें काम कर रहे हैं उसमें उसका टॉप, बॉटम, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज वैल्यू निकाल दीजिए 7 डेज का। 7 डेज निकालने के लिए मेरे सिंपल फंडा है क्या है कि आपको जिस प्राइस अभी चल रहा है उसका 7 डेज का एवरेज निकाल दीजिए, 7 डेज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दीजिए, 7 डेज का स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी होगा एवरेज प्राइस के प्लस होगा तो वो टॉप हो गया, एवरेज प्राइस के माइनस होगा तो वो बॉटम हो जाएगा। तो आपको उस टॉप से जो मैक्सिमम 7 डेज में गया है उसका कितना डिस्टेंस है और मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है, आपको देखना है। कोई भी स्टॉक जब वो भी इस मिनिमम लेवल तक आएगा, मिनिमम लेवल को आकर फिर से जब ऊपर जाएगा, एक ब्रेकआउट देगा, बॉटम लेवल को क्रॉस करेगा, तभी आपको एंट्री करना है, ये वाला सिंपल फंडा है। तो आप आ जाएंगे बाय लेवल पर। मेरे बाय पर यहाँ पर एक मैंने कुछ सिंपल कुछ इंटीग्रेशन किया है, जो फॉर्मूला इंटीग्रेशन किया है मैंने, कुछ कोडिंग किया है
जैसे इसमें LTP ओपन क्लोज, इसमें वॉल्यूम 10 डे वॉल्यूम, 15 डे 20 डे मूविंग एवरेज इसमें मैंने दे दिया है। तो उसमें क्या हुआ है ना, 7 डेज, ये 7 डेज के जब आप इंट्राडे बेसिस में काम करते हैं तो 7 डेज का ट्रैकिंग करना जरूरी है और पोजिशनल बेसिस भी जरूरी है। तो इसमें क्या हुआ कि 7 डेज मूविंग एवरेज, बॉटम, मिनिमम प्राइस, सिग्नल 1, सिग्नल 2, सिग्नल 3, सिग्नल 4 फोर एंड आपको 10 डेज मूविंग एवरेज ग्रेटर देन 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज ग्रेटर देन 200 मूविंग एवरेज, पॉजिटिव पोजिशनल बाय एंड इंट्राडे बेसिस में आपको पोजिशनल बाय कहाँ पर करना है आपको आएगा, और उसके बाद इंट्राडे बेसिस में आप बाय करना वो भी आ जाएगा। तो आप इसमें जो भी कुछ आपको चाहते हैं कि स्टॉक एडिशन करना है तो ऐसे ही आपको स्टॉक एडिशन करना है। ऑटोमेटिकल आपको नीचे में एक ही जगह तो ऑटोमेटिकल वो आ जाएगा, जैसे मैंने बताया प्रीवियसली अभी अभी। तो उसमें क्या होगा कि इसमें जो LTP ओपन क्लोज वॉल्यूम डिटेल दिया गया है, इस वॉल्यूम एक करेंट वॉल्यूम, इस करेंट वॉल्यूम ये 10 डेज, 15 डेज, 220 डे वॉल्यूम मूविंग एवरेज है। तो अभी क्या है कि ये जो वॉल्यूम है करंट वॉल्यूम, ये 10 डे वॉल्यूम मूविंग एवरेज के ऊपर रहना चाहिए तो एक अच्छे कंफर्मेशन स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग सिग्नल आएगा, वॉल्यूम सिग्नल आएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आएगा। तो आपको क्या है कि उसके साथ आपको ट्रेंड भी पकड़ना है, ट्रेंड भी देखना है, यानी 10 डे वॉल्यूम मूविंग एवरेज ग्रेटर देन 15 एंड 15 डे वॉल्यूम मूविंग एवरेज ग्रेटर देन 20 डे वॉल्यूम मूविंग एवरेज, इस कंडीशन होगा तो और भी स्ट्रॉन्ग आ जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया कि इस सिग्नल 1 पर हमने कुछ कोडिंग किया है, इस सिग्नल कोडिंग कर कहां पर पॉजिटिव आएगा और कहां पर नेगेटिव आएगा। इस पॉजिटिव सिग्नल में हमने क्या दिखाया है कि जो बॉटम लेवल का जो प्राइस है उस बॉटम लेवल का प्राइस के ऊपर रहना चाहिए ये जो सिग्नल है, और मैंने कुछ कोडिंग किया है, जो कोडिंग किया है कि जो LTP प्राइस जो बॉटम लेवल के ऊपर रहना चाहिए, LTP प्राइस ये जो आपका एवरेज प्राइस के ऊपर रहना चाहिए, ओके, एवरेज प्राइस के नीचे रहना चाहिए, और आपका डेटा क्लोज के प्रीवियस क्लोज के ऊपर रहना चाहिए। ये जो सिग्नल है हमने जनरेट किया है पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि मेरे मानना है कि जितना आप एवरेज के नीचे लेंगे तो आपका उतना ही आपका जो ये है मैंने जो रिस्क फैक्टर है वो नॉमिनल हो जाएगा, तो आप अच्छी तरह से काम कर पाएंगे, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, एवरेज प्राइस के नीचे जितना आप ले सकते हैं अच्छा है। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि आपको इसमें सिग्नल जनरेट कर दिया इस कोडिंग के साथ, ये फर्स्ट कोडिंग मैंने सिग्नल जनरेट कर दिया है, इसमें प्लस प्लस और प्लस आएगा तो कैसे आता है यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग है, प्लस प्लस आ गया है और प्लस आ गया है। इस सिग्नल के साथ आपको एक कंफर्मेशन सिग्नल मिलता है। सिग्नल 2 में आपको क्या हुआ कि आपको कैसे फिर से एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन के साथ एक सिग्नल प्लस या प्लस प्लस मिलता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको देखना है। सिग्नल नंबर 3 में आपको फिर से एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलना चाहिए। डिफरेंट कोडिंग सिस्टम हमने जनरेट किया है कि एक सिग्नल के साथ आपको काम नहीं करना चाहिए, 3, 4, 5 कंफर्म होना चाहिए। तो इसके साथ VOL सिग्नल जो दिया है, गुड एक्सीलेंट, गुड के कॉम्बिनेशन ये है, और एक्सीलेंट किसको हम बोलेंगे यानी ट्रेंड के साथ, 10 डे वॉल्यूम मूविंग एवरेज 15 के ऊपर रहना चाहिए, 15 20 के ऊपर रहना चाहिए, और वॉल्यूम करंट वॉल्यूम मूविंग एवरेज 10 डे वॉल्यूम मूविंग एवरेज के ऊपर रहना चाहिए, ये हो गया एक्सीलेंट। एक्सेलेंट और गुड के हिसाब से आप देखेंगे, और इसमें हमने दिखाया है कि कहाँ पर आपको कुछ सिग्नल जनरेट हो रहा है, कौन सा जनरेट है, ये हमारा जो कोडिंग सिस्टम है क्रूशियल पॉजिटिव मोर डेंजर्स एंड डेंजर कैसे जनरेट होता है। तो इसमें हमने एक फॉर्मूला लगा दिया है कि 10 डे वॉल्यूम मूविंग एवरेज 20 डे वॉल्यूम मूविंग एवरेज के ऊपर रहना चाहिए किन किन स्टॉक में, वो डिटेल्स आ जाएगा। और इसके साथ आप यहाँ पर लगा है कि 50 डे वॉल्यूम मूविंग एवरेज 200 वॉल्यूम मूविंग ऊपर रहना चाहिए कि ये गोल्डन पीरियड एक कंफर्मेशन देता है, क्योंकि ये 15 डे वॉल्यूम मूविंग एवरेज 200 वॉल्यूम मूविंग एवरेज से नीचे आ गया तो डाउन ट्रेंड ऑटोमेटिकल कंफर्मेशन हमको मिलता है। तो उसके साथ क्या करना है कि ना पोजिशनल बाइंग जो कंडीशन हमने डाला है, ये पोजिशनल बाइंग कंडीशन या वेट आपको दिखाएगा कौन सा कंडीशन होने के बाद ये पोजिशनल सिग्नल क्रिएट होता है या आपको दिखाता है।
तो उसके साथ आपको क्या हुआ ना, इंट्राडे बेसिस में आपको क्या करना चाहिए ना, इंट्राडे बेसिस में कौन सा फॉर्मूला क्रिएट होगा, तो आपको एक कंफर्मेशन मिलता है इंट्राडे बेसिस में, इस सिग्नल पर आपको कंफर्म मिल जाता है कि नहीं इसमें वेटिंग आ रहा है ना, कंसोलिडेट कर रहा है या सेलिंग आ रहा है या आ रहा है, ये इंट्राडे बेसिस में आपको एक कंफर्मेशन बाइंग सिग्नल दे देता है, जो भी आपको अच्छा एक जो रिस्क फैक्टर है वो आपको ज्यादा से ज्यादा आपका जो नुकसान होने वाला जो चीज है, जो लॉस होने के फैक्टर को पूरा नोमिनल करता है, लगभग जीरो के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो बाइंग सिग्नल क्रिएट होता है पूरे के पूरे कंफर्म होने के बाद ही बाइंग सिग्नल क्रिएट होता है, जो बाइंग सिग्नल आपको 100% यानी 99% आपको एक्यूरेसी इसलिए देता है क्योंकि यहाँ पर जो कंफर्मेशन आपको मिलता है इसको आपको चार्ट के साथ देखेंगे तो अच्छी तरह से कंफर्मेशन आ जाएगा। अब इस कोडिंग को आप देख सकते हैं, आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका डिटेल्स कैसे आपको ट्रैकिंग करना है। तो उसके साथ हमने एक मंथली स्कैनर भी दिया है पॉजिटिव या नेगेटिव देखने के लिए। स्कैनर में आपको 10 डे वॉल्यूम मूविंग एवरेज, 200 वॉल्यूम मूविंग एवरेज के ऊपर रहना चाहिए, 50 डे मूविंग एवरेज 200 के ऊपर रहना चाहिए, उसके बाद सिग्नल यहाँ पर होल्डिंग या डाउन ट्रेंड स्टार्टेड ऐसे कुछ आ जाएगा, आपका सिग्नल आ जाएगा जो हमने कोडिंग किया है। तो आपको 10 डे मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा तो नेगेटिव दिखाएगा, 50 डे मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा तो आपको क्या होगा, आपको नेगेटिव साइज दिखाई देगा। ये हो गया आपका मंथली बेसिस आपको ट्रैकिंग करने के लिए। तो वोलेटिलिटी चेक करने के लिए आपको ऐसे हमने एक ट्रेंडिंग एवरेज वोलेटिलिटी के लिए आपने डाला है, आप इसमें आर स्क्वायर चेक कर सकते हैं और उसके साथ आपका एवरेज वोलेटिलिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन वोलेटिलिटी, उसका टॉप बॉटम और करंट जो वोलेटिलिटी है वो कितना है, तो आपको डे वोलेटिलिटी करंट वोलेटिलिटी कितना चल रहा है, ये आपको एक ट्रेंड पता पता देता है कि अभी जो वोलेटिलिटी है ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। मेरे मानना है कि आपका वोलेटिलिटी जब इस टॉप लेवल के आसपास रहेगा तभी मार्केट का जो वैल्यूएशन होगा स्टॉक का बहुत ही नीचे आपको मिलेगा, तो आप इस वोलेटिलिटी जितना चाहे ऊपर लेने के लिए आपको सोचना चाहिए। और ये वाला जो ट्रेंड अभी स्टार्ट हो गया है ये पूरे डाउन ट्रेंड के साथ, ये जो आर स्क्वायर चेंज होगा उसके साथ स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज होगा, तो आपको एक कंफर्मेशन मिलता है कि आपको वोलेटिलिटी चेंज होने वाला है, ये ट्रैप ये चेंज हो जाना चाहिए। तो इसके साथ इस चार्ट को देखने के पहले इसके साथ आपको क्या करना चाहिए ना, ऑप्शन चेन डाटा को एनालिसिस करना चाहिए, उसके साथ आपको जो फ्यूचर डाटा है, ऑप्शन डाटा है और चार्ट पैटर्न है इसके साथ मिलाकर आप देखेंगे तो अच्छी कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा कि अभी ये स्टॉक में क्या होने वाला है। ये था आपको एक डेमो क्लासेस जो इस शीट में डिटेल्स है आपको हेल्प करेगा, तो आप कैसे ट्रेडिंग ले सकते हैं और अच्छी तरह से एनालिसिस कर सकते हैं इस शीट को। किसी भी तरह का आपका इस शीट में जो भी कुछ दिया गया है इस शीट में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको फिर से एक डेमो क्लास या डायरेक्टली मेरे जो क्लास चलता है शाम को 8 बजे के बाद ही हम क्लास लेते हैं, 7:30 के बाद, तो आप 7:30 से 10 बजे तक इस क्लास चलता है, इसमें इसको कैसे बनाना है और कैसे आपको इंटीग्रेशन करना है, कैसे चार्ट बनाना है डिटेल्स हम समझाते हैं, तो आप इस क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। और डिटेल्स बना कैसे जाता है, डिटेल्स जो गूगल शीट या ये ऑप्शन चेन आप सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच इस डेमो क्लास में। और कुछ भी जरूरत है और कुछ एडिशन करना है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स बनाकर दिखा सकता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।